चलिए आपको सीधे लिए चलेंगे जयपुर पिंक सिटी में। दो दिवसीय तीज फेस्टिवल उत्सव वहां पर मनाया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। राजसी ठाट भाट से बूढ़ी तीज की शाही सवारी यहां निकाली जा रही है। सिटी पैलेस के जनानी ध्योड़ी से ये सवारी निकाली जा रही है। हाथी घोड़े बैंड बाजों के साथ शाही लवाजमे में ये सवारी निकाली जा रही है। देसी विदेशी पर्यटक भी तीज की शाही सवारी में शामिल हो रहे हैं और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हैं ये, आप देखेंगे किस तरीके से वहाँ पर शाही लवाजमे के साथ जो है ये सवारी निकाली जा रही है। वहाँ पर देसी विदेशी तमाम पर्यटक जो है मौजूद हैं, लोग आते हैं दूर दराज से इसे देखने के लिए और एक परंपरा का निर्वहन यहाँ पर करते हुए अपना एक खास महत्व यहाँ पर इस शाही सवारी का होता है। और लाइव तस्वीरें हम आपको ये दिखा रहे हैं। दो दिवसीय ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, तीज फेस्टिवल उत्सव का आयोजन है, जिसमें राजसी ठाट भाट से बूढ़ी तीज की शाही सवारी निकलते इस वक्त आप उसके गवाह बन रहे हैं, जहां देखेंगे सांस्कृतिक रंग जो है आपको नजर आएंगे। सिटी पैलेस के जनानी ध्योड़ी से ये सवारी निकाली जा रही है। हाथी घोड़े बैंड बाजों के शाही लवाजमे के साथ ही सवारी निकाली जा रही है। दामोदर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दामोदर, अपने आप में मनोरम तस्वीरें ये, क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं, क्या मान्यताएं आज इस तस्वीर को लेकर? दो दिवसीय जो फेस्टिवल कार्यक्रम जयपुर राजधानी में होता है और आप देख रहे हो तस्वीरों में ईद का पर्व पिंक सिटी के चांद है और ऐसे में जो राज परिवार के यहाँ से पहले ईद माना की पूजा अर्चना के बाद शाही ठाट भाट के साथ ये शाही सवारी निकाली जाती है, जिसमें करीब पर्यटन विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। 150 जो नृत्य लोक कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुतियां देते हुए। बिल्कुल दामोदर, आप बने रहिए, जानकारी जो है अपने दर्शकों तक आपके जरिए पहुंचाते रहेंगे। एक बार तस्वीरें अपने दर्शकों को भी दिखा देते हैं किस तरीके से वहां पर सांस्कृतिक रंग देखने को मिल रहे हैं और कितना मधुर संगीत वहां पर सुनाई पड़ रहा है। एक बार दर्शकों को सुनाते हैं फिर आपसे जानकारी हासिल करेंगे। मनोरम ये तस्वीरें और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि शाही तरीके से जो है इसका आयोजन होता है। हाथी घोड़े ऊँट होते हैं इसमें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, नृत्य पेश किए जाते हैं और उसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक अलग छटा यहाँ पर आप देखेंगे जिस तरीके से राजस्थान की जो पारंपरिक नृत्य है वो यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर राजशाही की जो चकाचौंध है वो आप महसूस कर सकते हैं और यही वजह है कि न सिर्फ राजधानी जयपुर बल्कि बात करें दूर दराज के राजस्थान के इलाकों से भी लोग इसे देखने पहुंचते हैं। विदेशी पर्यटक भी यहां पर इसका लुत्फ उठाते हुए आपको अमूमन नज़र आ जाएंगे और यही वजह है कि इसका एक अपना खास महत्व है। और जो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान के चटक रंगों को ये पेश करती हुई ये तस्वीरें हैं। दामोदर हमारे सहयोगी बने हुए लगातार। दामोदर, अपनी एक मान्यता है और काफ़ी समय हो गया था जब इस तरह की तस्वीरें जो है कोरोना की वजह से देखने को नहीं मिलती थी, तो कहीं ना कहीं अब दोबारा ये परंपराएं जागी हैं, शुरू की गई हैं, तो लोगों में भी कहीं ना कहीं ज़्यादा उत्साह है। तस्वीरों में आप देख रहे हो प्रदेश में पूरे देश भर से लोग यहाँ आते हैं तीज की शाही सवारी देखने के लिए और खास तौर पर क्योंकि कोरोना के 2 साल बाद तीज की शाही सवारी निकाली जा रही है, जिसमें जो नृत्य लोक कलाकार हैं जो अपनी कथाएं यहाँ बिखेर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से जो सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पा रहे थे कोरोना की वजह से, उस समय जो लोक कलाकार है वो भी बेरोजगार हो गए थे, तो राज्य सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार सभी कलाकारों को जितने भी पर्यटन विभाग की ओर से कार्यक्रम होते हैं उनको मौका दिया जा रहा है ताकि उनको भी रोजगार मिल सके और जो प्रदेश की जो अलग अलग जिलों से जो लोक नृत्य हैं जो लोक कलाकार हैं वो अपनी कलाओं के यहाँ पर प्रस्तुतियाँ देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल से सभी एक तरह से माइंस हो गए थे इसकी दोबारा
सब ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटन विभाग के आयोजित तो होंगे, उसको लेकर सब कलाकारों में भी एक बना हुआ था। लेकिन कोरोना के खत्म होने के बाद से जैसे ये कार्यक्रम शुरू हुआ है तो सब कलाकारों में एक उत्साह देखा जा रहा है। लोक कलाकार भी बहुत छत पर इसमें भाग लिए अपनी अपनी कलाओं की प्रस्तुति सवारी के आगे चल रहे हैं। अलग अलग जो जिलों से राजस्थान के अलग अलग जिलों से अलग अलग लोक कलाकार अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए हैं चल रहे हैं। अभी कुछ ही देर में त्रिपोलिया गेट से 30 माता की सवारी निकलेगी, शाही ठाक भाग के साथ निकलेगी, आपको बच्चों को दिखाएंगे। ऐसे त्रिपोलिया से बाहर निकले ऊपर त्रिपोलिया गेट के ऊपर से कुछ वर्षा की जाएगी। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, नगर निगम की ओर से साफ सफाई और बैरिकेड की व्यवस्था की गई है। तो वही जिला प्रशासन की ओर से पूरे कार्यक्रम पर मॉनिटरिंग की जा रही है। दामोदर, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, एक उत्सुकता कहीं ना कहीं इन तस्वीरों को देखते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि ये तय परंपरा का निर्वहन है या फिर इसमें संदेश अलग अलग देने की कोशिश होती है, कुछ थीम बेस्ड भी ये सवारियां निकाली जाती हैं? देखिए, ये परंपरागत है क्योंकि राजशाही शासन से ही चला आ रहा है। पिंक सिटी है, पिंक सिटी को इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है, टोपर टाइप में चारों तरफ इस तरीके बताया गया है। सभी जो मुख्य रोड जा रहे हैं उनमें बरामदे लगाए गए हैं ताकि लोग इन बरामदों में खड़े होकर जो भी झांकी यहाँ से निकाली जाती है, कोई भी शाही सवारी या रात शासन काल में राजा जब गुजरता था इन बरामदों में खड़े होकर कुछ वर्षे की जाती थी राजा पर, और राज शासन की ओर से राजा को देखने के लिए भी लोग यहाँ बरामदों में खड़े होते थे। तस्वीरों में इस तरीके से आप देख सकते हो लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, देशी नहीं विदेशी भी, यानी विदेश साफ समुद्र पार भी लोग यहाँ चीत की सवारी, गंगोल की सवारी, कई अन्य सवारियों को देखने के लिए, और कई तो नहीं उनमें जो शाही सवारी में खास जो लोक कलाकारों द्वारा जो प्रस्तुतियां दी जाती है वो इस सवारी में चार चांद लगा देती है। लोगों का मनोरंजन भी लगातार होता रहता है, लगातार जो बैंड वादन है वो अपनी अपनी प्रस्तुतियां देते हुए चल रहे हैं। जितने भी चैनल से प्रदेश के बैंड वादन वो अपनी अपनी प्रस्तुतियां कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं घोड़ों का राम परिवार की ओर से तरीके से घोड़े का स्वतंत्र वो घोड़ों की भी प्रदन की प्रस्तुतियां देते हुए चल रहे हैं। साथ ही लगातार जो सच्ची घोड़ी है और तेरा ताली लोक नृत्य है, इसमें खास इस बात पहली बार राधा कृष्ण की झांकी भी जोड़ी गई है क्योंकि ऊंट गाड़ी बैलगाड़ी में तरीके की झांकी झांकी बनाकर इसी शाही सवारी के साथ में प्रदर्शित करते हुए निकाली जा रही है। इसमें जितने भी लोग पहुंचे हैं यहाँ पर देश प्रदेश से, सभी लोग अपने अपने मोबाइल कैमरों में इन तस्वीरों को सेव कर रहे हैं क्योंकि ये ऐसी यादगार तस्वीरें हैं, साल में एक ही बार आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल, साल में एक बार ही ये तस्वीरें देखने को मिलती है, यही वजह है कि इसका एक अपना महत्व है और राजस्थान के तमाम रंगों को समेटी ये तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। दामोदर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये सवारी कितनी लंबी होती है, क्योंकि अलग अलग रंग वहाँ पर निकलते नज़र आ रहे हैं, कुछ नृत्य भी पेश किए जा रहे हैं, हाथी घोड़े ऊँट तमाम चीज़ें नज़र आ रही हैं, कितनी लंबी है सवारी? आप तस्वीरों में देखिए बूढ़ी जो तीज माता की सवारी निकल चुकी है, ऊपर से कुछ वर्षा की जा रही है, लोग बूढ़ी तीज माता के दर्शन भी करके अपनी मन्नतें मांग रहे हैं, ऐसी मान्यता है क्योंकि माता पार्वती के ही स्वरूप में अलग अलग रूप में जो तीज माता है गणगौर माता इनकी पूजा की जाती है। सबसे पहले राज परिवार की ओर से पूजा अर्चना की गई थी और पूजा अर्चना के बाद में त्रिपोलिया गेट से होती शाही राजशाही ठाट भाग के साथ से ये सवारी निकाली जा रही है। चांदी का पालकी बनाई गई है और आप तस्वीरों में देख रहे हो जो राज परिवार का जो राजशाही ठाट है उसी अंदाज में निकाली जा रही है, क्योंकि आज ही नहीं इतने ही वर्षों से राज शासन काल से चली आ रही है परंपरागत ये शाही सवारी है जो निकाली जा रही है। खासतौर से ये 3 किलोमीटर की शाही सवारी होती है त्रिपोलिया गेट से निकलते हुए छोटी चौपड़ गंगोरी बाजार और इसके बाद में ताल कटोरा पहुंचेगी।
जहाँ पर पूजा अर्चना की जाएगी उसके बाद पापी होगी जी। दामोदर सुरक्षा चाक चौबंद की बात अगर करें, क्या कुछ डिप्लॉयमेंट वहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की है, क्योंकि लोगों की भीड़ वहाँ पर नजर आ रही है और देशी विदेशी तमाम पर्यटक भी नजर आ रहे हैं जो इसका लुत्फ उठा रहे हैं, तो ऐसे में तमाम चीजों के लिए व्यवस्थाएं क्या कुछ दुरुस्त की गई? पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था ही की गई है, विदेशी मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था ही की गई है बरामदों में, खास तौर से जो विदेशी मेहमान पहुंचे उनके बैठने की व्यवस्था की गई है जिससे किसी प्रकार के व्यवधान नहीं हो। दोनों तरफ सड़क के बैरिकेड्स लगाए गए हैं और इन बैरिकेड्स के बाहर लोग खड़े होकर तीज माता की जो शाही सवारी है उसका आनंद लोग उठा सकते हैं, मोबाइल में अपने कैमरों में ये तस्वीरें कैद कर रहे हैं, आप तस्वीरों में देख रहे हो। पुलिस का भी पूरी तरीके से आगे पीछे जाप्ता पुलिस का चल रहा है जिससे किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। जी दामोदर, एक तो ये मनोरम तस्वीरें हैं, पुरानी परंपरा है, ऊपर से आज मौसम भी जो है पूरा साथ निभाता नजर आ रहा है, क्या कैसा वहां पर मौसम है? देखिए मौसम बहुत ही सुहावना हो रहा है, ऊपर आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी हुई है, लेकिन इस हल्की बूंदाबांदी होने के बाद बिल्कुल बूंदाबांदी रुक गई, लेकिन मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, अच्छी ठंडी हवा, बिल्कुल मौसम भी सुहाना है और ये तस्वीरें भी अपने आप में इतिहास को समेटे और राजस्थान के रंगों को बिखेरती ये तस्वीरें। बहुत बहुत शुक्रिया दामोदर इन तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए।